वेलकम टू सरो समाजी को राउंडर चैनल। सरो समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पत्र लिखने का नया तरीका क्या है, वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक आप देख ही लीजिए। जो आप पत्र लिखते थे पहले वो नियम बिल्कुल गलतियां हैं। ये मत सोचिए कि वीडियो देखने की वजह से ये बात बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में मलेरिया की संभावना को देखते हुए जिला के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र कैसे लिखें। ये चीज़ लिखकर मैं एक पत्र लिखकर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि नया वर्सन का जो पत्र आए हैं किस तरह से रूल रेगुलेशन चेंज हो गए हैं उसको मैं आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार वीडियो को अवश्य ही देख लें, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा बिल्कुल देता हूँ। क्लास 9th का, 8th का, 10th का, 11th, 12th, बीए, बीएससी, जो हमको मुझे समझ में आता है हमको, ठीक है, वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने बनाता हूँ। और नया वर्सन का आप लिख लीजिए हर परीक्षा में जो आएंगे, नहीं तो फिर गलतियाँ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिला के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। सबसे पहले आप राजमहल लिखिएगा, अपना जगह के नाम लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको वो एक चीज़ करना है कि चौथाई छोड़ देना है, और वो भी एकदम सीधा लाइन से होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर फुल में फुल अंक यानी फुल में फुल मार्क्स दे सके। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा होगा राजमहल, जगह के नाम दे देना है, उसके बाद दिनांक, जो भी दिनांक है, मान लीजिए 17 तारीख है, 17/12/2020, ठीक है। उसके बाद लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी साहिबगंज, स्वास्थ्य अधिकारी के पास लिखना है, कहाँ है स्वास्थ्य अधिकारी, मान लीजिए स्वास्थ्य अधिकारी साहिबगंज जिला में बैठते हैं, अपना जिला के नाम जहाँ पर रहते हैं वहाँ दे दिए, ठीक है। उसके बाद वही लाइन से होना चाहिए, पहले जो ये सब लिखा जाता था इधर लिखा जाता था, आपको पता होगा, और सेवा में लिखा जाता था, डेट नहीं दिया जाता था, दिया जाता था तो इधर, लेकिन अब नया रूल रेगुलेशन के तहत सारा का सारा एक ही लाइन से लिखना है, और सेवा में लिखने के बाद में के नीचे से स्वास्थ्य अधिकारी लिखा जाता था, ठीक है। आपको अगर पहली बार होंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि ऐसा क्यों, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, सेवा में लिखने के बाद ये कोमा के नीचे से लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है, सेवा में लिखेगा सारा का सारा एक ही लाइन से होना चाहिए, स्वास्थ्य अधिकारी साहिबगंज, ठीक है। विषय, क्षेत्र में मलेरिया फैलने की समस्या से अवगत कराने हेतु एक आवेदन पत्र, उसके बाद लिखना है महाशय, बिल्कुल आप लोगों को दिखाई देता होगा। उसके बाद लिखना है सादरपूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि मैं गौरव कुमार राजमहल का निवासी हूँ, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में तेजी से फैल रही मलेरिया से संबंधित संभावनाओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इसके बाद है पिछले, ध्यान दीजिए इस, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, क्योंकि वो चैनल आपके जीवन के लिए संजीवनी बूटी जैसा साबित होगा, क्योंकि उस पर जो भी वीडियो खोजिएगा किसी भी क्लास का और किसी भी विषय का, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको एक से दो दिन में वीडियो मिल जाएंगे, और उस चैनल पर पत्र का पूरी तरह से भरमार है। और ये चैनल पर भी कम नहीं है, इसमें भी 250 पत्र हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होगा, आप जाकर पत्र एक दो होगा देख सकते हैं। लेकिन आपको सारा पत्र चाहिए तो इसी चैनल में प्ले लिस्ट बना होगा, उसी पर आपको सारा पत्र वाला प्ले लिस्ट देखिएगा, सारा मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब नहीं करें, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि वे एक ऐसा चैनल है जो आपके जीवन के लिए संजीवनी बूटी जैसा साबित होंगे, क्योंकि आपको सारा मैथ हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सारा आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक थे, फैलता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से हमारे क्षेत्र में कचरा, ठीक है, कचरा काफ़ी मात्रा में फैलता जा रहा है, चारों तरफ दुर्गंध एवं रात का नींद हराम हो रहा है। अन्य गांव के लोग इस गांव से गुजरते हैं तो नाक पर रुमाल या मास्क का प्रयोग करते हैं, इतना गंदगी है कि दिन रात मच्छरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, यानी गूंज रही है, जिसकी वजह से मलेरिया रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। डॉक्टर भी रात
रात भर इधर से उधर मरीजों की आवाज़ में व्यस्त दिखाई देते हैं। कई लोग इसके चपेट में भी आ चुके हैं, यानी इसके चपेट से मृत्यु भी हो चुके हैं, ये लिख सकते हैं। कई लोगों की जान भी गंवानी पड़ी है। धीरे धीरे यह बीमारी इस क्षेत्र में विकराल रूप धारण करती जा रही है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यहाँ से पहले जो लिखा जाता था 20 से, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी को बुलाकर मलेरिया की दवाई उपलब्ध कराने की कृपा करें और घर घर मलेरिया दवाई या DDT का छिड़काव अर्थात किसी अन्य कठिन कदम उठाकर इसकी रोकथाम करने की कृपा करें, नहीं तो इस क्षेत्र की जनसंख्या खत्म होने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका विश्वासी समस्त ग्रामवासी लिख दीजिएगा, जो जगह है पूरा सभी का सिग्नेचर करा दीजिएगा। बात क्या, इतना लिख कर दे दीजिएगा तो बात सुनेंगे नहीं, पूरा दौड़ कराएंगे और आपको गाँव को साफ सफाई बिल्कुल करा देंगे। तो ये भी साफ सफाई कराने का तरीका हुआ। और जो भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह के पत्र हो, निबंध हो, किसी भी तरह की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, आपको एजुकेशन से रिलेटेड, पत्र से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलता रहेगा।